हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपके चैनल एचएस टेक्निकल सपोर्ट में स्वागत है। फार्मर कॉर्नर से ये ओपन हटा दिया गया है स्टेटस चेक करने का। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आप स्टेटस कैसे चेक करें विद प्रूफ के साथ बताऊंगा। वीडियो को कम्प्लीटली देखना है तब आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। वीडियो के एंड में बताऊंगा कैसे ये डाउनलोड करके और कैसे स्टेटस चेक करना है विद प्रूफ के साथ में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मेरे फोन में मैं देख लेता हूँ ये ऐप डाउनलोड किया है मैंने। और ये ऐप आपको कैसे डाउनलोड करना, प्ले स्टोर से नहीं करना है। प्ले स्टोर में लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, अब मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखो, ये मैंने पहले वाला ऐप डाउनलोड किया, ये कहाँ से किया, ये मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पे आपको टाइम देख सकते हो, मंडे अप्रैल 13 अप्रैल का ये वीडियो है। मतलब आप इसमें टाइम डेट सभी चीज़ चेक कर सकते हो। अभी वीडियो लेटेस्ट बनाया हुआ है 13 अप्रैल का और मंडे का है। और अभी मैं स्टेटस चेक करके बताऊंगा, आप खुद देखोगे और आप खुद भी चेक कर सकते हो। आप खुद को कोई मतलब यहाँ पे फर्जी नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, हमारे पास मोबाइल नंबर अवेलेबल है। तो किसी भी कस्टमर का हम मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। आपको विद प्रूफ के साथ में बता रहा हूँ, विद प्रूफ के साथ में आप स्टेटस कहीं से भी चेक नहीं कर सकते, लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फार्मर का नेम आ गया और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज और रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट आ गई। और ये एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है और इसका पेमेंट चालू है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आई थी ये देख सकते हो, सेकंड इंस्टॉलमेंट कब आई थी ये देख सकते हो, थर्ड इंस्टॉलमेंट कब आई और फोर्थ इंस्टॉलमेंट कब आई ये भी देख सकते हो। अब इनकी 5 इंस्टॉलमेंट आने वाली है। इस प्रकार से आप स्टेटस चेक कर सकते हो। तो अब आपको ये ऐप कैसे डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के मैं बताने वाला हूँ, इस वीडियो के अंदर पूरी प्रोसेस। तो ऐप वगैरह कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आप स्टेटस चेक कर सकते हो। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑल ऑन कर दें, यहाँ पे घंटी का निशान, और वीडियो को लाइक कर दें और अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दें। चलो हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे पीएम किसान स्टेटस चेक 2020 इस तरीके से जाने पीएम किसान का स्टेटस। पीएम किसान पोर्टल से हट गया फार्मर कॉर्नर का ओपिन। आपको भी पता है आपको बहुत परेशानी हो रही है। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम पीएम किसान .gov.in लाभार्थी हैं तो आपको पता है पीएम किसान पोर्टल से फार्मर कॉर्नर के ओपिन को हटा दिया गया है। तो अब आप अपने पीएम किसान स्टेटस 2020 कैसे चेक कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम आपको इसी प्रक्रिया बताएंगे जिससे आप अपना पीएम किसान स्टेटस चेक कर सकते हो। तो आइए देखते हैं, वीडियो कम्प्लीट देखें। 5वीं किस्त यानी 5वीं किस्त कैसे देखें तो बता देते हैं आपको। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पीएम किसान की वेबसाइट पर फार्मर कॉर्नर ओपिन को हटा दिया गया है और अब किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर पीएम किसान स्टेटस नहीं चेक कर पाएंगे। तो चेक कहां से कर पाएंगे तो इसका भी मैं बताऊंगा, वीडियो आपको कम्प्लीटली देखना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। इस योजना का संचालन और किसानों तक योजना संबंधित जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री यानी पीएम किसान पोर्टल बनाया गया, जिसकी आधिकारिक लिंक है pmkisan.gov.in रखी गई है। पीएम किसान पोर्टल यानी कि पीएम किसान एक बहुत सारे ऑप्शन बनाए गए थे, जिसके अंतर्गत एक ऑप्शन था फार्मर कॉर्नर का भी। फार्मर कॉर्नर के अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन थे जिसे किसान बहुत सारी जानकारी योजना से संबंधित प्राप्त कर सकते थे, जिसमें एक ऑप्शन था पीएम किसान स्टेटस चेक कर। सरकार के द्वारा अभी पीएम किसान पोर्टल पर से फार्मर कॉर्नर ओपिन हटा दिया गया है, जिससे किसान अभी तक पीएम किसान स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे हैं। नोट, आप अगर इसकी पुष्टि करना चाहते हो तो पीएम किसान की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, फार्मर कॉर्नर का ओपिन देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि पीएम किसान सम्मान निधि स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे। किसान कैसे जान पाएगा कि पीएम किसान के तहत आने वाली उनकी अगली किस्त या पीएम 50 इंस्टॉलमेंट, उनकी 5वीं इंस्टॉलमेंट मिली है या नहीं मिली है, कब मिलेगी, ये सवाल भी लाजमी है। कि चलिए जानते हैं पीएम किसान फार्मर कॉर्नर ओपन के हट जाने के बाद में पीएम किसान स्टेटस चेक कैसे करेंगे 2020 का। तो हम बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। वीडियो आपको कम्प्लीटली देखना पड़ेगा और वीडियो आपको लास्ट में, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना किसान भाइयों के साथ। और यहाँ पे देख सकते हो पोर्टल नेम है pmkisan.gov.in, लॉन्चिंग बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मर वेलफेयर, बेनिफिट फार्मर्स और प्रोडक्शन वेलफेयर लिस्ट ऑनलाइन, और पीएम किसान चेक स्टेटस हेल्पलाइन नंबर, यह हेल्पलाइन नंबर आप इसके माध्यम से भी चेक कर सकते हो। बाकी मैं आपको बताऊंगा ऐप के माध्यम से। यहाँ पे ओल्ड वर्जन है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 6000 रुपये असिस्टेंट अमाउंट है, बेनिफिट यहाँ पे आप सारी चीज़ देख सकते हो, ये बेसिक नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ नया तरीका चेक करने का 2020, जो पीएम किसान का स्टेटस चेक करने का नया तरीका है वो क्या है। अगर आप अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पीएम किसान स्टेटस चेक करना 2020 का चेक करना चाहते हो तो
इसके लिए आपको दो ऑप्शन मौजूद है, एक तो एप्लीकेशन के माध्यम से, दूसरा है पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से। अब आप सोच रहे होंगे यार एप्लीकेशन तो स्टेटस चेक ही नहीं हो रहा, तो मैं बताऊंगा अभी, अभी मैंने आपको शुरू में भी बताया चेक करके। चलिए दोनों ऑप्शन के बारे में विस्तार से जानते हैं। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा। सहायता कैसे देखें, पीएम किसान स्टेटस एप्लीकेशन की सहायता से कैसे देखें? अगर आप पीएम किसान एप्लीकेशन की सहायता से पीएम किसान स्टेटस देखना चाहते हो तो इसके लिए एक शर्त रखी गई है, आपको पीएम किसान के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर पीएम किसान का स्टेटस चेक करने की कोशिश करते हो तो आप नहीं कर पाओगे। ऐसा करने के लिए पीएम किसान ऐप का ओल्ड वर्जन इंस्टॉल करना होगा। चलिए हम आपको पीएम किसान का ओल्ड वर्जन डाउनलोड करने का यहाँ पर लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक क्लिक करते ही आपके सामने गूगल ड्राइव चले जाएगा और वहाँ पर आपको डाउनलोड करें ऑप्शन क्लिक करना होगा, जैसे आपको नीचे दिखाया गया है। तो देखिए आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके गूगल ड्राइव में चला जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। अब आपके सामने फार्मर ऐप फाइल डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी और डाउनलोड होने के बाद में आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना होगा। इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर तभी आपको दिखाई देगा जब आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल एप्लीकेशन फॉर्म अनकाउंट श्योर ओपन को चालू रखोगे। ये ऑप्शन आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही पीएम एप्लीकेशन ऐप फाइल को डाउनलोड कर इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन दिखाई देगा, बस आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में आपको पीएम किसान ओपन करना है और पीएम किसान ऐप ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उसी में से एक ऑप्शन रहेगा बेनिफिट स्टेटस चेक। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आप जैसे ही ऐप इंस्टॉल करोगे ओपन करोगे तो वहाँ पर आएगा एक लेटेस्ट वर्जन का, तो ओके मांगेगा, ओके नहीं करना है, वहाँ पर लेटर पर आपको क्लिक करना है कि बाद में हम इसको डाउनलोड करेंगे। तो ये देख सकते हो ऐप का सरफेस ऐसा रहेगा। उसके बाद में अब यहाँ पर आपको सबसे पहले चयन करना होगा कि पीएम किसान स्टेटस का मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर या फिर आधार नंबर जरिए देखना चाहते हैं। आपके पास इन तीनों में से जो भी मौजूद है उसका चयन करें और नीचे बॉक्स में उसकी संख्या दर्ज करें। नंबर दर्ज करने के बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे पीएम किसान का स्टेटस खुलकर सामने आ जाएगा। नोट, ध्यान दें ये ऑप्शन एक बार में शायद ही काम करे, तो आपको इसको दो तीन बार लगाना है, और मतलब एक बार में काम कर जाएगा, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है तो दो तीन बार लगाना है। पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से स्टेटस कैसे चेक करें? जी हाँ, अगर आप पीएम किसान के माध्यम से ऐप के माध्यम से और पीएम किसान स्टेटस देख नहीं पाने में असमर्थ हैं तो आपको पीएम किसान स्टेटस सही नहीं दिखा रहा तो आप पीएम किसान स्टेटस की जानकारी हेल्पलाइन नंबर के जरिए भी ले सकते हो। तो वो कैसे लेनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 1811-55-26 पर आपको कॉल करना है और सभी विकल्प को ध्यानपूर्वक सुनकर स्टेटस जानने के विकल्प का चयन करना है। पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर आप स्टेटस जान सकते हैं। चलिए इसकी भी प्रक्रिया थोड़ी विस्तार से समझा लेते हैं। सबसे पहले आपको पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 1811-55-26 पर कॉल करना होगा और यहाँ पर आपको भाषा का चयन करना होगा, जो भी आपकी लैंग्वेज है। इसके बाद आपको यहाँ पर या तो आपको अपना पीएम किसान में लिंक मोबाइल नंबर जो कि 10 अंकों का होगा उसको चयन करो, या फिर आपको अपना पीएम किसान में लिंक आधार नंबर जो 12 अंकों का उसको दर्ज करना होगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर दर्ज करोगे तो आपके बटन वो मांगेगा, यहाँ पे प्रेस कर देना, उसके बाद में आपको वहाँ पे अपना स्टेटस दिखा देगा। तो नोट, पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करना है तो आपको कॉलिंग समय भी ध्यान रखना है, 10 बजे से 4 बजे के बीच ही आपको कॉल करना है। तो आपके सवाल जो भी है वो हम यहाँ पे बता देते हैं। पीएम किसान स्टेटस वर्तमान में कैसे चेक करें? वर्तमान में पीएम किसान स्टेटस चेक आप दो माध्यम से चेक कर सकते हो। पहला, पीएम किसान एप्लीकेशन के पुराने वर्जन को इंस्टॉल करने, और दूसरा पीएम किसान के हेल्पलाइन नंबर से। पीएम किसान का पुराना वाला एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करें इसका वीडियो के अंत में मैं बताऊँगा कैसे डाउनलोड करना है। पीएम किसान का पुराना एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते, इसके लिए आपको हम बताएंगे वीडियो के एंड में। पीएम किसान पोर्टल फार्मर कॉर्नर ओपन क्यों उठा दिया गया? सरकार के द्वारा इसके ऊपर अभी कोई जवाब जानकारी नहीं दी गई है। हो सकता है कि किसी तकनीकी खराबी के चलते इस ऑप्शन को हटा दिया गया हो, या भी हो सकता है कि इसकी जगह कुछ नया ऑप्शन सरकार लाना चाह रही हो, तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान पीएम किसान पोर्टल फार्मर कॉर्नर को हटा दिया गया है। पीएम किसान की 5वीं किस्त कैसे चेक करें? तो पीएम किसान की जो 5वीं किस्त है वो पीएम स्टेटस की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जाँच की जा सकती है। तो नोट, हमने आज आपको इस वीडियो के अंदर यह तरीका बताया कैसे इसे चेक किया जाता है, और अब मैं डाउनलोड करने का तरीका बताऊँगा। तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पर आपको क्लिक करना है। पहले तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक कर लेना, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक कर लेना, और वीडियो को किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपनी किस्त का इंस्टॉलमेंट चेक कर सकते। फिर आपको क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा आएगा, ऐसी सरफेस आएगी, तो वहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो ये अभी मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ, आप मोबाइल में कर लेना, मोबाइल में हो जाएगा, मोबाइल के माध्यम से ही आप कर सकते हो सब कुछ, और स्टेटस भी चेक कर सकते हो और ऐप भी मोबाइल में इंस्टॉल होगा। उसके बाद में देखो ये ऐप डाउनलोड हो रहा है, नीचे देख सकते हो आप ये डाउनलोड हो रहा है। इसको मैं मोबाइल में डाल के और ओपन करके आपको दिखाया, सुरपोत में वैसे ही है।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपका स्टेटस चेक नहीं होता है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो और अपना कमेंट लिख सकते हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले मैंने प्रैक्टिकल किया इस पर और मैंने बहुत सारे स्टेटस चेक किए हैं, सभी के स्टेटस चेक हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी कमेंट आ रहे थे। क्योंकि पिछली बार मैंने एक वीडियो डाला था, वो वीडियो मैंने पहले एडिटिंग किया हुआ था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि फार्मर कॉर्नर ऑफिस के लिए वेबसाइट पीएम किसान की वेबसाइट से हटा दिया गया है। मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इसका सोल्यूशन लेके आ गया हूँ कि स्टेटस कैसे चेक करें। और फिर भी आपका ये ऐप डाउनलोड नहीं होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप पे मैं ऐप ये आपको भेज दूंगा और आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो और इंस्टॉल करके और अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो व्हाट्सअप, और वहाँ पर आपका सोल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। और ये वीडियो आपको 1% भी अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक करके और कमेंट, अपना कमेंट ज़रूर लिखना। डिसलाइक करते हो तो कमेंट में आपको जो आपकी प्रतिक्रिया वो ज़रूर लिखनी है, ऐसे डिसलाइक करके नहीं जाना है क्योंकि उससे क्या पता चलेगा। आप डिसलाइक करोगे तो उसका आपको जो रीज़न है वो आपको लिखना है कि भाई मैं इस कारण से डिसलाइक कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी या मेरे ये स्टेटस चेक नहीं हुआ, उसका सोल्यूशन हम करेंगे। आपको केवल व्हाट्सअप करना है, डिस्कशन में व्हाट्सअप नंबर दिए होते हैं उस पर आपको एक क्लिक करना होता है, डायरेक्ट आप व्हाट्सअप में चले जाते हो और वहाँ से आपको व्हाट्सअप करना है। ये ऐप वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आप स्टेटस चेक कर सकते हो। मैंने बहुत लोगों का स्टेटस चेक किया है और सभी का हो रहा है, तो आप भी चेक कर सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है, किस स्टेट से वीडियो देख रहे हैं ये भी आपको बताना है ताकि उस स्टेट की आपको स्कीम नेक्स्ट लेके आएँ। और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे व्हाट्सएप पे आप जल्दी से जल्दी जुड़ें और अपना जो भी नाम और अपना स्टेट लिख के मुझे भेजें ताकि आपके नंबर सेव हो जाएँ और आपको डेली अपडेट मिलती रहे, स्टेटस के माध्यम से आपको डेली अपडेट मिलती रहे। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कई लोग ऐसे हैं जो हमें अभी तक हमारे चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन हमें व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपको व्हाट्सएप जरूर करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो काफ़ी लंबा है लेकिन बहुत अच्छी जानकारी है। जय हिंद, जय भारत। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑल ऑन कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें।